खेतवा त खाई गइल सड़वा, खेतवा त खाई गइल सड़वा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंट अयोध्या और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अयोध्या जिले के रुदौली तहसील अंतर्गत उधरौरा गांव से, जहां के ग्रामीणों ने छुट्टा जानवरों से तंग आकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आप लोग काहे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया छुट्टा जानवर से बहुत परेशानी है। अच्छा, शासन व्यवस्था जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, इसका परिणाम बहुत गड़बड़ होगा। इससे जो है कई बीघा के नुकसान हो गई आपके गांव का? अरे हमारे गांव में करीब कुछ नहीं तो 1400 बीघे का रकबा है, इसमें से 50% नुकसान हो रहा है। कितने जानवर हैं आपके गांव में जो छुट्टा है? एक हमारी ग्राम सभा में करीब 350 जानवर छुट्टा है जी। प्रशासन से इसके पहले कोई आप लोगों ने बात रखी? अरे मुख्यमंत्री पोर्टल तक हम लोगों ने शिकायत की। शिकायत, उसका अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव क्या नाम है? दरौरा। जमदरा। किस गांव से हैं भैया? भैया उधरौरा ग्राम पंचायत। तहसील कौन सी लगती है? तहसील रुदौली, जनपद फैजाबाद। आप लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? भैया हमारे यहां छुट्टा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों ने विधायक से, मंत्री सतीश महाना उत्तर प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम लोगों ने शिकायत की, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई शासन द्वारा। बातें तो बहुत हो रही है सरकार में लेकिन काम कुछ नहीं है। रोड के मामले में और छुट्टा पशुओं के मामले में किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। पोजीशन ये हम लोगों की भुखमरी की कगार पे हम लोग, लेकिन उसके बाद भी कोई कान पे जू सरकार के नहीं रेंग रही है। आप लोग क्या करेंगे आपकी समस्या का? हम लोग एकदम पूरा 7 गांव यहां हैं और 7 से 8 गांव हम लोग एकदम तैयार हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी भी रूप में मतदान हम लोगों को नहीं करना। कौन कौन सा गांव है? वो इसमें उधरौरा है, जमदरा है, बरई है और पस्ता है, सल्लाहपुर है, सणरी है, पसैया है, नईपुरा है, मांगो का पुरवा है और उधरौरा है, मुतौली है। आप लोग लोकसभा का जो चुनाव होने जी, वाला जी, है 2019 जी, इसका हम लोग पूर्णतया बहिष्कार करेंगे, क्योंकि शासन में शासन बनाने का, सत्ता बनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों के रखरखाव के लिए, व्यवस्था के लिए, शांति के लिए, खुशहाली के लिए। और जब हम लोग एकदम बर्बाद ही हो जाएंगे तो इसी सत्ता शासन से क्या फायदा हम लोगों को? हम लोग जब सरकार बनाए थे, योगी जी जब प्रधान मुख्यमंत्री बने थे, हम लोगों को बहुत आशा थी कि काम कुछ होगा, लेकिन मात्र हिंदू मुसलमान, मात्र हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से हम लोगों का पेट नहीं भरना है भाई। इस मैटर पे हम लोग कितनी बार वोट दें और हम लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पूरी 80% आबादी यहाँ खेती पे निर्भर है, उसके बाद भी शासन कुछ नहीं करना चाहता है। आराम से उनको लगता है कि 2000 रुपए की भीख दे दी है हमने, इसे भी किसान खुश हो गया। किसान खुश नहीं है। वास्तविक धरातल पे आए इनके अधिकारी, तब देखें कि क्या पोजीशन है। कोई अधिकारी अब तक आपसे मिलने आया? नहीं, कुछ नहीं। जाओ वहाँ BDO साहब से या DC मनरेगा साहब से, वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई जानवर नहीं है। उनसे हमने कहा आइए भौतिक सत्यापन कर लें। संतोष कुमार सिंह एक है हमारे यहाँ पत्रकार, उनके साथ गए, मिला हम लोग, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सीधे जवाब है कि हमारे यहाँ कोई जानवर छुट्टा नहीं है। कब गए थे आप? आज से 5-6 दिन पहले हम लोग गए थे। और कोई अधिकारी आया? यहाँ कोई नहीं आया। SDM के पास आप गए थे? SDM साहब के पास अभी आज पता चली थी कि शायद आओ है, लेकिन उसके बाद भी वो भी नहीं आ रही है। भैया नाम बताइए अपना। नाम है हमारा गोविंद सिंह। अच्छा, किस गांव से हैं? उधरौरा ग्राम पंचायत। अच्छा, तहसील कौन सी लगती है? तहसील रुदौली। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या उद्देश्य आपका? उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार कुछ करे हम लोगों के लिए, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। सरकार अपने आप तो कुछ करती नहीं है, जो उनको जो उनके अधिकारी बताते हैं वही वो करते हैं। अधिकारी उनके एकदम मस्त है। जानवर की ये समस्या है हमारे यहाँ कि कम से कम 500-600 जानवर प्रत्येक ग्राम सभा में छुट्टा घूम रहे हैं। वो खेती बर्बाद कर रहे हैं, उनको कितना तार लगाया जाए, कितना क्या किया जाए, कुछ हो नहीं पा रहा है। हिंदू होने के नाते हम लोग उनकी जान भी नहीं ले सकते। सरकार से अपेक्षा थी कि ये लोग इनको पकड़ के ले जाएंगे, कहीं बंद करेंगे, इनकी गौशालाएं चलेंगी। ना कहीं गौशाला है, ना कहीं कोई व्यवस्था है, बस केवल कागज पे दौड़ा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। अगर कोई बात यहाँ विधायक जी से बात हुई थी तो उनका सीधे उद्देश्य ये होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी मसले पे तो वो ये कहकर टाल जाते हैं ये तो सफाई है। जबकि मतलब अगर सरकार चाहे तो हम लोगों की पोलिंग उठा के देख ले, 80-90% वोट भाजपा को मिला था और इस बार नहीं, पिछली बार भी मिला था। हम लोग कट्टर भाजपाई है, लेकिन मजबूरी है कि अब भाजपाई होने के साथ साथ हम लोगों के परिवार में। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बहिष्कार होगा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार होगा। एक भी मत नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा इसके अलावा।
इसकी शिकायत अधिक प्रशासन के अधिकारी से की है? प्रशासन के अधिकारी से क्या, यहाँ चौपाल लगे थे रामचंद्र विधायक जी की, उनसे डायरेक्ट बात हुई। चौपाल में एसडीएम साहब भी थे उस समय, हमारे ठाकुर साहब थे, एक नए एसडीएम आए थे पंकज सिंह, वो भी थे, उनके सामने बात हुई। चौपाल में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे इसकी व्यवस्था होगी। चकबंदी के लिए हम लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ चकबंदी हो जाए, इसकी भी व्यवस्था होगी, लेकिन व्यवस्था सब जवानी करके चले जाते हैं, कुछ करना नहीं चाहते वो लोग यहाँ। खाई गई लसड़ावा हो, खाई गई लसड़ावा की खेतावा, खाई गई लसड़ावा, टूट गई मेरी आँख।